हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली रिलेटेड है योंगनुओ का जो फ्लैश है, इंडिया में काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल करते होंगे। और इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन ये हो जाती है। आप जो ये बैटरी डोर देख रहे हैं, इसके यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो प्लास्टिक का छोटा सा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हम इसे बंद ये करने के चक्कर में ये यहाँ से जो प्लास्टिक का जो छोटा पीस है ये टूट जाता है, और ये जो डोर है ये आसानी से मिलता नहीं। तो हम सोचते हैं कि फ्लैश अभी कुछ काम का रहेगा नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लैश फेंक देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है कंपेयर टू जो कैनन है 600 RT उसके कंपेरिजन में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो डोर है इसको रिप्लेस करने के लिए आपको पूरा फ्लैश खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डोर जो है ये एक सिंपल सी चीज़ है जिससे आप निकाल सकते हैं, और अगर आप ईबे या कोई इंटरनेशनल मार्केट में लेते हैं इस चीज़ को, तो ये आपको $5 से लेके $8 तक ये डोर मिल जाएगा आपको, जो आप रिप्लेस करके इस फ्लैश को वापस इस्तेमाल में ला सकते हैं। अभी तो ये आसानी से बंद हो रहा है, मगर जैसे इसमें अगर आप बैटरी डालेंगे तो उसके प्रेशर से ये डोर आधा खुल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लैश काम नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्लैश का जो खोलने का तरीका है, जो डोर रिप्लेसमेंट का, ये आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। पहले तो आपका जो फ्लैश है इसको आप घुमा के वर्टिकल कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जगह मिल जाए काम करने के लिए। उसके बाद फ्लैश को आप खोलिए, पूरा फ्लिप मत होने दीजिए, इसको इस तरह से पकड़ के रखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको ये गैप दिखेगा यहाँ से, तो ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में जाना है, आपको इसके सेंटर में जो स्पेस है आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, मगर फिलहाल मैं एक नेल फाइलर यूज़ कर रहा हूँ मेरी वाइफ का, तो आप इससे भी ओपन कर सकते हैं। ये क्या है, काफ़ी पतला है, आप देख सकते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं मेरे फ्लैश जो है इस तरह से किया हुआ है, और ये डोर मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद इसको आप नीचे थोड़ा पकड़ लीजिए, तो आपको यहाँ पे काम करने के लिए जगह दिखेगी। सिल्वर सी एक प्लेट जो दिखती है आपको, ना राइट ना सेंटर, आपको ये जो नेल फाइलर है सेंटर में डाल के थोड़ा सा हल्का सा पुश देना है इसको। जैसे आप पुश दे देंगे इसको इस तरह से, तो हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी। उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ से फ्लैश पकड़ के इसको निकाल देना है। तो आप देखेंगे इसको, ये यहाँ पे क्लिप हो जाता है इस पोर्शन में, और ये चीज़ जो है, ये जो वाइट वाइट इसमें लगा हुआ है, ये ल्यूब्रिकेंट है, ताकि डोर अगर आप जो नया लगा रहे हैं वो इजीली स्लाइड हो जाए। तो अगर आप इस तरह का नया डोर आपको मिल जाता है, जिसके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा यूट्यूब में, तो ये डोर आप ख़रीद के आपको सिर्फ इसको स्लाइड करना है वापस अंदर की तरफ। तो जब नया डोर आप ले लेते हैं, तो आपको सिर्फ इसमें से इसको इधर से इस तरह से करके इसको क्लिप कर देना है, तो ये नया डोर लग जाएगा। निकालने के लिए सेम क्लिपिंग मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसका क्लिप निकाल दिया है। आपको ज़्यादा कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको बंद करके ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, नेल फाइलर, वो आपको क्लिप के पीछे की तरफ से सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड करना है, तो ये डोर निकल जाएगा। आप ये घर पे भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डोर खरीद के इसका वापस से फ्लैश को यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगी, आई थिंक काफ़ी लोगों ने डाली हुई है, फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में डाला इसको, किसी से काफ़ी लोगों ने बताया है कि ये चीज़ को यहाँ से क्लिप करना है। मतलब आप YouTube पे देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने बताया कि आपको ओपन करने के लिए इसको यहाँ से
कुछ क्रिप करने के लिए इसको यहाँ से इंसर्ट करना है या फिर साइड से करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे ईजिएस्ट वे जो योंगनू की वेबसाइट पे भी उन्होंने कहीं पे दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था, कि आपको दोनों के बीच में ये इंसर्ट करना है, यहाँ पे दोनों के बीच में, बीचों बीच इस तरह से। ये देखो हल्की सी आवाज आई होगी, और फिर इसको दबा के निकाल देना है इस तरह से, तो डोर आपका इजीली रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। नया डोर लेके आइए जो आपको तकरीबन $8, 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, तो आपकी 10000 रुपये की फ्लैश वापस काम में आ सकती है। ये आप इस पर लगा दीजिए, आपका काम हो गया। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ इसके बारे में पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में, मैं जितने जवाब हो सकते हैं उतने देना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।